क्वेश्चन शुरू करते हैं। एररलेस क्वेश्चन नंबर 16। टू वेक्टर्स आर गिवन बाय ए बार बी बार, दो वेक्टर्स दिया हुआ है। अनदर वेक्टर सी बार हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, तो सी वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है? मैग्नीट्यूड एज बी और डायरेक्शन एज ए। तो हमको वेक्टर का फॉर्मूला पता है, वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड बी का चाहिए, डायरेक्शन ए का चाहिए, ठीक है जी। तो हम सी बार को लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू डायरेक्शन ऑफ ए बार, ए कैप, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताइए, अंडर रूट हाँ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताइए, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है जी। अब यहाँ वैल्यूज रख दीजिए, बी एक्स का वैल्यू कितना? 3 का स्क्वायर। बी वाई का वैल्यू कितना? 6 का स्क्वायर। बी जेड का वैल्यू कितना? 2 का स्क्वायर इनटू ए बार, ए वेक्टर पूरा लिख लो क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या बनेगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब कितना? सही लिखा हो ना मैंने, 9 प्लस 36 प्लस 4 इनटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49 का स्क्वायर रूट 7, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 7/3 आ गया, और साथ में वेक्टर को ने आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए। So, ये बनेगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जिसको नाम दिया गया सी बार। तो सी बार वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बी जैसा, डायरेक्शन ए जैसा। सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट वन, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।